नया निजाम आने तक तमाम इदारों में भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही अब नई भर्तियां होंगी। पुलिस को गैर सियासी करने के लिए कानून साजी करके बिल लाया जाएगा। इमरान खान की सादगी की रिवायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में राइट टू इंफॉर्मेशन बिल ला रहे हैं। सूबा जनूबी पंजाब के मामले को कानूनी तौर पर देखा जाएगा। सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए जाएंगे। सूबाई काबीना के पहले इजलास के बाद वजीर इत्तला'आत की मीडिया ब्रीफिंग। पंजाब में परवेज मुशर्रफ दौर का बलदियाती निजाम लाने की तैयारी। वजीर आला के जेर सदारत इजलास में बलदियाती निजाम बदलने का उसूली इत्तेफाक। नए निजाम में खैबर पख्तूनख्वा 2013 एक्ट का भी जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान को अब्दुल अलीम खान ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के बाद 5 रुकनी वफ सेक्रेटरी बलदियात अनवर बलोच के साथ केपीके का दौरा करेगा। बल्दियाती निजाम की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज की जुबानी। मुशर्रफ दौर, मौजूदा और केपीके निजामों का तफसीली जायजा लिया गया। 2001 में इख्तियारात निचली सतह तक थे, मौजूदा निजाम में ऐसा नहीं। मुशर्रफ दौर में जिले हुकूमत के पास 13 महकमे थे, 2013 में एक भी ना रहा। केपी में तमाम इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। पंजाब के सिस्टम में चेयरमैन डीसी है जो सियासी दबाव का शिकार रहता है। तब्दीली के लिए हकीकी मायनों में अमले इकदाम का आगाज कर दिया गया है। ये वक्त सिर्फ काम काम और काम का है। कप्तान की टीम पर अज्म और बासलाहियत है, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब की सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान की आज लाहौर आमद। जमान पार्क में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वजीर आजम पंजाब काबीना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जिमनी इंतखाब में उम्मीदवारों की टिकट्स पर भी मुशावरत होगी। जौहर टाउन में दिलखराश वाकया, घर से 4 लाशें बरामद। चांभाक होने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस दे लिया। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं दुरुस्त करार। हाईकोर्ट ने सजाओं के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुना दिया। नैब ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम के तहत तहफ्फुज हासिल है। नैब वकील, हद हो गई, कहीं 25 रुपए तो कहीं 50 रुपए पार्किंग वसूल की जा रही है। लोगों के लिए पैदल चलने की जगह नहीं, आपने कंपनी सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाई। जस्टिस अली अकबर कुरैशी चीफ एग्जीक्यूटिव कल्ब अब्बास पर बरहम। हाईकोर्ट का 2 रोज में शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करने का हुक्म। 3 सितम्बर तक तहरीरी जवाब और कंपनी की तश्कील का रिकॉर्ड पेश करने के अहकाम। अंदरून शहर गैर कानूनी प्लाजों की तामीर के खिलाफ केस, अदालती हुक्म पर किस हद तक अमल हुआ। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का DG वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी से मुकालमा। आपको कहा कि गैर कानूनी प्लाजों की तामीर बंद करवाएं, मगर आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रिमार्क्स, 5 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। हाईकोर्ट का मॉल रोड पर टूटे फूटे फुटपाथ की मरम्मत करने का हुक्म। फुटपाथ की तामीर में फंड्स के हुसूल के लिए वक्त दरकार है। वकील LDA, आप वो दौर भूल गए जब आप किसी के इशारे पर अंडरपास तामीर कर देते थे। अदालत का LDA के वकील से मुकालमा। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में मुस्बत और तामीरी ऑपोजिशन की रिवायत कायम करेंगे शहबाज शरीफ। ज
जमनी इलेक्शन लाहौर के चारों हल्कों के उम्मीदवारों की लिस्टें आवेजा। कौमी असम्बली की दो नशस्तों पर 58 और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 73 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 4 सितंबर तक जारी रहेगा। सरकारी अस्पतालों में 2200 आसामियों पर नर्सों की भर्ती की मंजूरी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों से नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, नर्सिस के मसाइल हल करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। जनरल अस्पताल में मरीज की आदत के लिए आए लवाहिकीन पर सिक्योरिटी अहलकारों का तशद्दुद, मार कुटाई। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाकये का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। और हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुगलपुरा में अंजुमन ताजरान के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। बादशाही मस्जिद के बाहर मजलिस उलमाए पाकिस्तान का हॉलैंड के खिलाफ शदीद एहतजाज। इस्लामी जमे तलबा का मस्जिद अल कुद्स के बाहर मुजाहरा। जामे नेमिया के जेर एहतमाम क्वीन मैरी कॉलेज से प्रेस क्लब तक रैली, खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ लाहौर बार की भी हड़ताल।